सब्सक्राइब करिएगा श्वेता दीदी कुकिंग चैनल को और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और श्वेता दीदी कुकिंग चैनल आपका सुपर स्वागत है। सर्दी आ गई है और इस समय मसाला चाय के साथ अगर कुछ चटपटा सा कुरकुरा सा स्नैक सर्व हो जाए तो कहने क्या। तो आज हम बनाएंगे आलू और सूजी के चटपटे कटलेट्स। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सूजी और आलू के चटपटे और कुरकुरे कटलेट्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 उबले हुए आलू लिए हैं, 1/3 कप सूजी, 1/3 कप दही। दही और सूजी इक्वल क्वांटिटी में है। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, कुछ हरी मिर्चें और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूजी को एक बड़े बोल में डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे दही और इन दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप दही बिल्कुल ताज़ा मीठा गाढ़ा दही ही लें, अगर आपका दही खट्टा हो गया है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि बाद में हम इसमें उबले हुए मैश करे हुए आलू डालेंगे ही, इसलिए अगर दही में थोड़ी बहुत खटास रहती भी है तो भी वो इक्वलाइज हो जाएगी। ये देखिए, हमने इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसको ढक करके 10 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद जब हम चेक करेंगे तो सूजी ने सारा दही सोख लिया होगा और इस तरीके से बैटर हमारा थिक हो चुका होगा। अब हम अपने बैटर में बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और नमक डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। इन्हें आप अलग से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और अगर आपको ग्रेट करना पसंद नहीं है तो आप इन्हें हाथों से भी मैश कर सकते हैं। ये देखिए, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा एक अच्छा स्मूथ मिक्सचर बनके तैयार है। तो अब हम इनकी गोल गोल टिक्कियां बना लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप इनको इसी शेप का बनाएं, आप चाहें तो इनको स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल या सिलिंड्रिकल भी बना सकते हैं और अगर आपके पास कुकी कटर हो तो कहने ही क्या, फिर तो आप बहुत सारी अच्छी अच्छी शेप्स बना सकते हैं। कटलेट्स को शेप दे ही दी है तो चलिए कढ़ाई में तेल भी गर्म कर लेते हैं। तो इस समय मैंने फ्लेम को हाई पे ऑन कर दिया है और जब तेल हल्का गर्म हो जाएगा तब हम इसमें कटलेट्स डालना शुरू करेंगे। तेल बहुत ज़्यादा धुआं निकलता हुआ गर्म नहीं होना चाहिए वरना कटलेट्स डालते ही जल जाएंगे, ये बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। फ्राई करते समय फ्लेम को हाई पे रखना है या लो पे रखना है, मीडियम पे रखना है, ये सभी चीज़ें आपके फ्लेम और कढ़ाई की मोटाई पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कढ़ाई बहुत ज़्यादा पतली है तो हो सकता है आपको फ्लेम मीडियम या लो पे रखना पड़े। यहाँ मेरी कढ़ाई अच्छी खासी मोटी है तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने फ्लेम को हाई पे ही रखा है। इन सभी कटलेट्स को अब हम इसी तरीके से अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। सर्व करेंगे हम इसको हरी चटनी, केचप या करी पत्ती की चटनी के साथ। करी पत्ते की चटनी कैसे बनती है इसकी रेसिपी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मेरी किसी भी रेसिपी को देखने के लिए आप सर्च में डाल सकते हैं श्वेता और रेसिपी का नाम, जैसे कि समोसा रेसिपी बाय श्वेता। ये लीजिए, कटलेट्स रेडी हैं। इन सभी कटलेट्स को हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे एंड एंजॉय। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। मेरे चैनल के कुछ और वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, मेरे ब्लॉग चैनल के लिए यहाँ क्लिक करें और मेरे किड्स चैनल को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।